समाज के सभी महानुभाव, अग्रणी लोगों एवं संत समाज की अपने परंपरा अनुसार होली का पाल होता है। तो अब के होली 7 तारीख साईं होली है, 7 तारीख प्रातः है हवन और पाल होगा। इस हवन पाल को करना, पाल लेना, 29 नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करना, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना और बाल बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दिलवानी और बाल विवाह नहीं करना, मृत्यु भोज नहीं करना, इसी प्रकार अपने को संकल्प लेना है। और जो अभी 5-4 दिनों से चर्चाएं चल रही है, जैसे मनमुखी रतन मनमुखी संरक्षक महोदय कुलदीप जी के लड़का चैतन्य ने अभी दिल्ली में 25 तारीख की सगमण किया अंतरजाती, तो कुलदीप जी समाज में क्या करना चाहता है। कुलदीप जी ने 29वां नियम खंडित किया कि गुड़ी कलर कपड़ा पहन सकते हो, ये समाज में आह्वान किया उन्होंने। और कुलदीप जी का भाई ने, कुलदीप जी का भाई चंद्रमोहन चंद्र खां बने, कुलदीप जी का ज्येष्ठ पुत्र है भव्य ने अंतर जाते ही सगपण विवाह किया। कुलदीप जी का लड़का चैतन्य ने अभी 25 तारीख को दिल्ली में अंतर जाति सगपण किया और सैम 50 वर्ष का कुलदीप जी सेम डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। कुलदीप जी क्या हो गए आप है, आपका क्या खाना पीना है, आप कहाँ उठते बैठते हो, आपका इतना विचार कमज़ोर कैसे हो गया। आप समझा, आप समाज के मनमुखी रतन मनमुखी संरक्षक बने बैठे हो और आप प्रतिदिन प्रतिवर्ष समाज में आप संडत रचाते हो और आपका तो पतन हो ही गया, लेकिन समाज का पतन आप क्यों कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आपको कौन सी एजेंसी मदद करती है, आपको कौन सा देश मदद करता है, आपको कौन सी समाज मदद करती है कि विष्णु समाज का आप पतन करो। तो कुलदीप जी आप विष्णु समाज का पतन की तरफ लग रहे हो, आप समाज का कोई उत्थान नहीं किया है। इसके लिए कुलदीप जी आप जे इस बात को सुनते हो और आप इसको मनन करते हो तो ये मनमुखी रतन और मनमुखी संरक्षक पद दोनों आप इस्तीफा देना चाहिए और आप विष्णु समाज धार्मिक स्थल पर आपको जाने कोई हक नहीं है। आप मनुष्य तो अवश्य हो लेकिन आप पूर्ण विष्णु नहीं हो। पूर्ण विष्णु होता है वो अंतर जाति विवाह नहीं करता है। आपने 4 अंतर जाति